हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। और सो मैं रिएक्ट कर रहा हूं इसमें इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के T20 पर जो मीम्स बने हैं वो रिएक्ट करूंगा और रिव्यू करूंगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे मीम्स बने हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अफगानिस्तान आफ्टर सीइंग इंडियन परफॉर्मेंस अगेंस्ट, रुको जरा सबर करो, अफगानिस्तान बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अफगानिस्तान और रोहित, ओके रोहित ने उठा लिया और फेंक दिया। हार्दिक ने भी उठाकर फेंक दिया अफगानिस्तान को, पंत ने भी मारा। इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी मीम्स देखेंगे हम। सेकंड इनिंग अफगानिस्तान को फिर उठाया और बुमराह ने मारा। अश्विन, ओहो अश्विन ने भी अफगानिस्तान को चित कर दिया। क्यों हिला डाला ना? लेकिन एक सेकंड, ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। बाय बाय अफगानिस्तान की टीम, खत्म, मछलियों खिला देंगे, बोला था ना वाले। बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। इधर तो देख फिक्स्ड कर खेल गया। आप उन्हें चीटिंग किया, जो करना है उखाड़ो हो। ये कुछ ट्रेंड कर रहा था भाई, फिक्सिंग जो अफगानिस्तान टीम है, नो डिफीट, कुछ तो गड़बड़ है। आ जाए तो इम्पोर्टेंट है आईपीएल को। आईपीएल में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान पर एलिगेशन लगे हैं ये, बस कर भाई। मीम पता चल गया, मुझे पता चल गया मैच फिक्स था। शेम ऑन अफगानिस्तान एंड इंडिया, ओ ओवर एक्टिव मत कर, पूरा खेल बिगाड़ जाएगा। समझ रहे हो ना आप। अफगानिस्तान केन टू सी, ओके इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान ओवर एक्टिंग से पूरे इस पे भरोसा था। पैसा दिखा, पैसा ही पैसा होगा अफगानिस्तानी प्लेयर्स। अच्छा ये रिटायरमेंट जो लिया था, ओके व्हेन मैच वाज फिक्स्ड, मी वाचिंग अफगानिस्तान मैच, वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। भाई, अच्छा शहजाद राशिद नबी सही बनाया है घर ट्राई। अफगानिस्तान टीम फील्डिंग अगेंस्ट इंडिया, और ये टप्पू का जोरदार शॉट और ये गोली से फिर से मिसफील्डिंग, बॉल साइड से गए। बॉल जिधर जाता है उधर अपने को फील्डिंग करना पड़ता है, अपनी मर्जी से किधर भी ऐसे फील्डिंग नहीं कर सकते। मैं कहता था आपने गेंद डाली सुंदर को, सुंदर ने शॉट मारा और ये गोली से फिर से मिसफील्ड। भाई क्या था, अफगानिस्तान में बहुत खिंचाई हुई है यार, करना क्या तेरे को, सबको लग रहा है फिक्स है। थोड़ा तू और ऐसा ऐसा खेलने डाइव तो मारी, अरे डाइव मारी तक। India wanted to win this by 63, they won by 66. What a calculated game by Indians. सही खेल गया बैंच। आगे का क्या सोचा है? India अफगानिस्तान। एक बात याद रखना, IPL खेलना ही तो आज का मैच हारना पड़ेगा। क्या बना? तू सीक्रेट हो। तोफू कबूल करो। अफगानी का गेम बोल रहा है ना। जैसे ही ऐसा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ लबे सीरीज लग रहा है। बहुत सही है यार, मतलब जो चल रहा है ना उसके ऊपर हो रहा है ये, कि जो आ रहा है ऐसे हाथ में जा रहा है। ये मेरी जीत है, ऐसे बात है। आई कांटेक्ट बढ़ रहा। अच्छा ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। When match hashtag feel delay, you feel relaxed. If losing toss was an all up race for only left today's match, India vs Afghanistan. Can't win with performance. अफगानिस्तान आफ्टर फिक्सिंग मैच, कुछ तो गड़बड़ है। अफगानिस्तान टीम नो डिफेंडिंग चैंपियंस, ओके योर नेक्स्ट टास्क
टू विन द टॉस विराट कोहली को इंडियन टीम इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान और अदर की टीम टीम परफॉर्मेंस विद फिक्सिंग और विदाउट फिक्सिंग ओके बस कर भाई मी पता चल गया हमें पता चल गया मैच फिक्स था एवरी वन टू रोहित शर्मा एंड केएल राहुल रोहित हिटिंग सिक्स एंड विराट कैचिंग द बॉल ओ हो बेटर एंड जमी जाग गया पर बहुत देर बाद रिलैक्स ब्लो वो ब्रो रोहित शर्मा टुडे वे टू मच हाइपर एक्टिविटी इन द मैच कितने में बिके अफगानिस्तान जब पूछ रहे हैं ये एटलीस्ट वी शुड अप्रिशिएट अफगान टीम्स एक्टिंग स्किल्स ओ हो हो सट्टा अफगानिस्तानी जो प्लेयर है वो ऐसे बॉडी दिखाते थे कैच ड्रॉप लूजिंग रिव्यू गिविंग इंटरव्यू अफगानिस्तान इंडिया वॉन द मैच बाई ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स हसीन एक्टिंग की है कैच ड्रॉप करने की भाई ने अफगानिस्तानी टीम आफ्टर द मैच पैसों में लेटी हुई है नमक हराम इंडिया वर्सेस ओहो अब नमक हराम क्यों बोल रहे हो यार विराट आई विल टॉल दिस टाइम फॉर यू करण जौहर इज कंफ्यूज ओवर हिज स्क्रिप्ट हा हा इतनी बुरी बॉल पर कैच दिया वो भी ड्रॉप कर दिया शेड्यूल प्रैक्टिस मैच ड्यूरिंग द ग्रुप मैच इंडिया को कोई बता नहीं पाकिस्तानी बैट्समैन कैसे आउट करते हैं पोस्ट मैच सीन फ्रॉम अफगानिस्तान ड्रेसिंग रूम पैसा ही पैसा पड़ा है और ओके मीम सही बनाया है वेस्ट योर टाइम वॉचिंग एंड ऑलरेडी फिक्स्ड गेम मेहनत से जीत जाते तो कुछ नहीं ओके अफगानिस्तान ऐसा कुछ मजे ले रहा है पैसे जीतने के भा मनी कांट बाय हैप्पीनेस फिक्स नहीं था भाई जाकर देखो कुछ एक्सपर्ट्स को देखो जाकर मैच फिक्स नहीं था किसी भी लिहाज से नहीं था हाँ लोगों को लग सकता है परफॉर्मेंस को देख के अफगानिस्तान की के वो तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट भी कर देते हैं लोग कि आईपीएल में खेलने के लिए उन्होंने पैसा ले लिया होगा लेकिन भाई को उनकी कंट्री के लिए उनके लिए वो छोटी जगह से मतलब इतनी बड़ी टीम नहीं है उनकी इतने बड़े परफॉर्मेंस नहीं दिए हैं उन्होंने तो उनके लिए ख़तरा हो सकता है भाई अपनी कंट्री में अगर उन पर लीगली कुछ एक्शन ले लिए गए इन चीज़ों को देखते हुए इन पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि फिक्स किया है तो ऐसा होने पर उनके करियर बर्बाद हो सकते हैं उनको पता है कि पैसा उससे ही अर्न कर रहे हैं ये और टीम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं था लेकिन मीम्स बड़े मज़ेदार बनाए हुए बड़ी शिद्दत से बड़ी मेहनत से बनाए हैं कि पैसे के अंदर डूबे हुए होंगे उनका बोर्ड डूबा हुआ होगा खिलाड़ी डूबे हुए होंगे वगैरह वगैरह तो इस टाइप के मीम्स बनाए हैं और मज़ेदार मीम्स हैं क्या क्या दिखाया जा रहा है कि विराट ने बोला था विराट क्यों बोलेगा भाई सबको पता है इतना पागल कौन है अगर फिक्सिंग भी कोई करता है तो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है थोड़ा सा दिमाग आप चलाइए अगर विराट बोलेगा तो भाई माइक होता है वहाँ पर सब कुछ होता है उनके खुद के माइक होते हैं आसपास लगे हुए तो वो क्यों क्लियरली बोलेंगे टॉस की बात बोल रही है पब्लिक की विराट ने बोला कि तुम्हें ऐसे ऐसे चूज़ करना है तो भाई इतनी बेवकूफ़ी कौन कर सकता है कि सबको जाके बोले सबके सामने क्लियरली बोले जबकि उनको पता है कि सारी तरफ माइक्स होते हैं एक बात बताइए अगर फिक्स होगा तो क्या वो वहाँ पिच पर जाकर आप बताएंगे मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर उन्हें मैच फिक्स करना होगा तो पिच पर जाकर फिक्स करेंगे क्या सब पब्लिक आ चुकी है कैमरा सेट हो चुके हैं टॉस उलने की नौबत आ गई है कैमरा सेट हैं माइक्स लगे हुए हैं तो वहाँ पर जाकर वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे कि भाई चलो मैच फिक्स कर लेते हैं तुम्हें ये करना है ऐसे करना है अरे नहीं भाई अगर फिक्स होना ही होता ना मैच या फिर हो चुका होता मैच फिक्स होता तो उस थोड़ा दिमाग लगाइए क्या टॉस वाली बात फिक्स नहीं होती कि तुम टॉस जीतोगे तो बॉलिंग
चूज़ करनी है तो मैं ये पहले ही बोल देते, इतना बखेड़ा करने की ज़रूरत क्या थी, इतना मतलब खुद को एक्सपोज करने की ज़रूरत क्या थी भाई। जाहिर सी बात है थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर फिक्सिंग हुई है तो पहले होती है भाई फिक्सिंग, मैच पिच पर जाकर नहीं होती है, सबके सामने जाकर नहीं होती है, इतनी बदनामी कौन कराएगा अपनी, मतलब खुल्लम खुल्ला सबको ये वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है कि विराट ने बोला है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। और कहीं से भी फिक्स नहीं था, परफॉर्मेंस गंदी हुई है, इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, कमबैक किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आई थिंक कि आप समझ जाएंगे। एंड वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।